क्या क्या है तेरा आपस के मामले तेरा आपस का मामला तेरे घर पे यहाँ पे ना तेरा आपस का मामला। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज कबीर एंड कबीर के ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। गाइस मैं चुका फिर से हेल्पिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में हेल्प कर रहा हूं भाई की। भाई का नाम है अनुज। अनुज की जो प्रॉब्लम है वो है इनकी वाइफ। एक्चुअल में हुआ क्या है कि इनकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही है और इन पर लगा रखा है झूठा दहेज का केस, और वो किसी और के साथ उनका चक्कर चल रहा है। और शादी की पहली रात ही उन्होंने ड्रामा कर दिया था कि उन पर कुछ आता वाता है और वो इनके साथ रहना नहीं चाहती और टच नहीं करने दिया। और उसके बाद से ये उनसे लड़ाई करिए, तमाशे करिए, झगड़े करिए, हाथापाई करिए और अपने माई के जाके बैठ गए। भाई एक्चुअल में हुआ क्या आपके साथ ये बताओ। भाई हमारी ना कुछ महीने पहले शादी हुई थी, ठीक है। शादी के बाद क्यों हनीमून होता है, ठीक है, स्वागरात होती है। तो फर्स्ट नाइट ही उसने मेरे को बताया कि मेरे ऐसे से ना मेरे को ना ऊपरी चक्कर आते हैं, भूत प्रेत का चक्कर आते हैं, ठीक है। तो वो मुझे को टच नहीं करने देती है। उसका मतलब मुझे लगा कि उसका पहले से किसी के साथ चक्कर है, इसी वजह से मुझे टच नहीं करने देती है। और बहुत गंदी गंदी मतलब बहुत गलत बर्ताव करती है मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ गाली गलौज करती है, मार पिटाई करती है, ठीक है। और वो अब इस टाइम जो जा चुकी है अपने पीहर जा चुकी है, ठीक है। और मैं लेने भी गया था, फ़ोन भी नहीं उठाती है, मैं एकदम सडनली पहुंची यहाँ पे लेने के लिए। तो उसके जो फैमिली ने और उसने भी मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है वहाँ पे भी। अच्छा, तो मतलब ये इतनी सब कुछ तो आपके साथ हो रहा है, तो आपकी फैमिली क्या मतलब केस वेस नहीं क्या कुछ यार? और मेरे ऊपर वो है, मैं झूठे आरोप लगाती है, झूठा दहेज का केस लगाती है मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी। और एक तो केस भी कर रखा है उसने दहेज का। तो मतलब ऐसा क्यों कर रही है? बस उसका जो चक्कर है बाहर इसलिए या पैसे वैसे कुछ मांग रही है क्या? पैसे भी डिमांड करती है। और उसका पहले से ही किसी के साथ चक्कर है, वो शायद उसकी जो शादी है जबरदस्ती हुई है, जैसी मर्जी हुई है वो पता नहीं है, लेकिन अब उसका बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप में है। आपको पता चल गया है वो? हाँ, वो बात मेरे को पता चल गया है। तो उसने बताई थी आपको? अपने आप पता चला? मेरे को अपना भी पता चला है। जब सामने वाली लड़की नहीं टच करने देगी यार स्वागत वाले दिन, तो आप क्या लगेगा आपको? यही तो लगेगा यार। हाँ ऑब्वियसली ये बात है, बट एक काम करते हैं अभी हम क्या कर रहे हैं, मुझे बस एक इतना सा बात और जाननी है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि उसने डायरेक्ट आपके ऊपर हाथ छोड़ा हो? डायरेक्ट छोड़ा है मेरे ऊपर। अच्छा, छोड़ा है। और जब आपके घर आप उसके घर गए थे उसको लेने, तो वहाँ पे भी कुछ आपके साथ ऐसे हुआ? उसके मम्मी पापा ने, उसके घर वालों ने मेरे साथ बहुत मतलब मार पिटाई करी थी, हाथापाई हुई थी। अच्छा। वो आने को तैयार नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं वो बता दो बस, कितनी देर में आ रही है वो? वो भी आ जाएगी 10 से 15 मिनट में। अच्छा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कैमरे के पीछे, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ बैठना और आराम से अच्छे से बात करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पर हाथापाई वो करे। और एक बार ना कैमरे पे ये बोल दे कि हम उसने झूठे केस लगा रखे हैं और अपने उसकी गलती हमें कैप्चर हो जाए, जिससे हमें प्रूफ मिल जाए, ठीक है? उसने मेरे ऊपर जो है दहेज के केस लगा रखे हैं, मेरे मतलब जो मतलब पैसे की डिमांड भी करती है और दहेज के केस भी है उसने। चलो ठीक है, तो ये माइक आप अपने पास रखो, हम उसका वेट कर रहे हैं। बताओ कितनी देर मारी हो? 10 से 15 मिनट में। ठीक है, मिलता हूँ तब जब वो आ जाते, ठीक है? हाँ भाई, कैसे बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? आ गए तुम? हाँ मैं आ गई हूँ। यार एक बताओ, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? जब घर पे मैं लेने आया था आए क्यों नहीं आप? तो मुझे वो फोन करता क्यों रहता है, बुलाता क्यों रहता है बार बार? क्यों यार, वाइफ नहीं तुम मेरी? कहाँ से वाइफ हूँ मैं तेरी? मैंने बोल दिया ना, मैंने तेरे से पहले शादी नहीं करी मेरे साथ? मैंने बोल दिया ना, तो शादी करी ना मेरे साथ? कोई और है बंदा। तो ये शादी से पहले क्यों नहीं बताया तुझे? क्यों बताऊँ मैं जब मैं तेरे से पहले शादी क्यों करी फिर? नहीं करनी मुझे तेरे से शादी, वो घर वालों की मजबूरी थी इसलिए करी मैंने तुझसे शादी। अब तुम दहेज भी मांगते हो, पैसे क्यों मांगते हो मेरे से? तो मांगू नहीं? क्यों मांगोगी? जब मेरी जबरदस्ती शादी हुई तो मांगूंगी मैं। तो क्यों मांगोगी मेरे? मैं तेरे से प्यार नहीं करती, बोल दिया ना एक बार में। ये बर्ताव अच्छा करते हो घर वालों के साथ, मेरे और मेरे साथ? मैं ऐसी हूं। क्यों? ठीक है, मैं तेरे से प्यार नहीं करती, तेरे साथ नहीं रहना चाहती मैं। ये कोई बात थोड़ी नहीं है, ये कोई बात थोड़ी नहीं है। बार बार मुझे फोन करके बुलाता है। क्यों नहीं बुलाऊंगा? क्यों बुलाएगा? यार घर पर रहे, घर पर रहे, अपने घर रहे। मैं तेरे साथ रह रही हूं। वहां क्यों रह रही है? मैं वहीं रहूंगी। वहां क्यों रह रही है? वहीं रहूंगी। तू पैसे देना फिर। किस चीज के पैसे दूं? क्यों देगा तू? क्यों दूंगा? देगा यार, वाइफ है, घर पे रहे, सब तेरा ही तो है, किसी और का है वो? नहीं रहना तेरे साथ। तो ऐसे पैसे मांग रही, घर पे रहना आराम से। नहीं रहना तेरे साथ। क्यों नहीं रहना? मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो मेरे साथ शादी क्यों करी तू? अरे क्यों बैठू मैं यहाँ? बैठना, बात कर। तेरे से बहुत तमीज है, क्यों नहीं छूंगा? शादी करिए तेरे से। यही बात तूने, यही बात तूने पहली रात को करी थी ना मेरे साथ? क्या यही करा था? यही करा था ना? क्यों नहीं छूंगा? यहाँ बैठ। नहीं बैठना, तू बैठ यहाँ, बैठ आराम से। नौकर हूँ क्या मैं? बैठ बैठ यहाँ पे। तुम शर्म नहीं आती क्या? किस चीज की शर्म? मेरे को छू कैसे रहा है? छू कैसे रहा हूँ? हक से छू रहा हूँ मैं। ये बैठ आराम से। मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ, ठीक है ना? पीछो 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 बोला ना यार, हद कर रखी, घर चल आराम से। नहीं जाना, ठीक है चल। तूने क्या कर रखा है मेरे लिए ऐसा? क्यों क्या नहीं कर रखा? तू क्या क्या चाहती है? तूने करा क्या मेरे? क्या चाहती? सब कुछ कर रखा है, घर दे रखा है, फैमिली दे रखी है, अच्छा परिवार दे रखा है। मतलब क्या नाटक था शादी के पहले रात तूने यार से मेरे साथ किया? क्या भूत प्रेत आते हैं मेरे पास? आते हैं तेरे पास? हाँ मुझे आते हैं। तो यार ये चीज पहले बतानी चाहिए थी ना शादी से पहले। बताओ तेरे को मैं?
क्यों नहीं बताओगी? मेरी तो कौन सी तेरे से लव मैरिज है क्या? अरेंज मैरिज हुई, शादी हुई है। लव मैरिज है क्या तेरे से? शादी हुई है। तू कैसी बातें कर रहा है मेरे से? यार मार क्यों रही हो तुम? तो ऐसे ही बेहुदा बात कर रहा है, चूतिया है। देख मेरे ऊपर से जो भी हुआ हुआ, मैंने बोल दिया मेरे ऊपर से ये केस पे सटवा दे सारे के सारे। नहीं हटाऊंगी, मेरी फैमिली पे सटवा दे और केस लगाऊंगी। किस चीज का लगाएगी? जबरदस्ती कर रहा है यहाँ पे आके अकेले में बुलाकर। तो वाइफ है, कौन क्या कहेगा? बुला, किसको बुलाएगी? बुला लूंगी मम्मी पापा। बुला ले, मम्मी पापा ही आएंगे और कोई आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आएंगे? तेरे मम्मी पापा नहीं आएंगे? दहेज के सटवा दे फैमिली से यार, मेरी फैमिली से और मेरे ऊपर से ये केस पे सटवा दे, झूठे लगा रखे तूने। क्यों कह रहे तू? केस सटवा दे मेरे से। नहीं हटाना, नहीं हटाऊंगी तेरे पे, और आरोप लगेगा। ठीक है, क्या चाहती हो यार? मैं चाहती हूँ कि तू मुझे मेरे से दूर। मुझे बता, पहले बता दी थी शादी नहीं करता ना, तेरा बंदा है ऑलरेडी, पहले बता दी। मेरा बंदा है, मेरा बंदा क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं? फुल ऐश में रखता है, तू क्या करता है? उसके सामने भूत प्रेत आते हैं तेरे ऊपर। नौकरी करता है, उसमें भी कुछ नहीं होता तेरे से। इतना है परिवार का, तेरे से रूम रेंट दिया नहीं जाता? सब पाल सकता हूँ मैं, ठीक है? इतना तो खिला पिला सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। चूतिया, तेरे खिला पिला सकता हूँ, ठीक है? ठीक है यार, मेरे से बदतमीजी मत कर। चल ले घर, चल ले यार, मेरे से बदतमीजी मत कर। हटवा दे केस पे। नहीं, तेरे पे तो केस और लगेगा। मैं नौकरानी नहीं हूं जो सारा काम मुझसे ही करवाएगा। तेरी इतनी औकात होती तो तू एक नौकर रख लेता, ठीक है? नौकर वाली बात क्या याशी में रखेगा मुझे? नौकर वाली बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है? फिर क्या बात कर रहा है तू? मेरे से पैसे क्यों मांग रही? तेरा दल्ला का वो तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो है क्या? कमाता धमाता नहीं है क्या? नहीं कमाता, जो हराम का खाने, उससे भी हराम का खाने का आदत है क्या? जो तेरे से बोला है ना मेरे को पैसे चाहिए तो चाहिए। पैसे दूं? तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो है क्या? क्या है? भिखारी है क्या? पैसे क्यों मांग रहा है? तू देना, तेरे को खिला पिला नहीं सकता? नहीं, मैं खिला पिला रहा हूँ। मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, मैं खिला पिला रहा हूँ तेरे को। मैं खिला पिला रहा हूँ तेरे को, मेरे साथ रहे। केस पे छटवा दे यार। नहीं, तेरे पे तो केस लगेगा, और तू जब तक पैसे लगेगा लगेगा। किस चीज का? मैंने क्या करा था? शादी करके गलती कर दी हाँ, बहुत तो मेरे को पहले बोल देती घर वालों को, बोल देती तू करी शादी, तो बोल देती ना चाहती मेरी फैमिली में, बोल देती मेरे से, बोल देती शादी नहीं करनी। क्यों कर रही है ड्रामा? ठीक है, तू पैसे दे रहा नहीं दे रहा ये बता। तू पैसे दे रहा नहीं दे रहा, धक्का क्यों मार रही है? तू ही तो धक्का मार रहा है मेरे को, दिमाग खराब कर रही यार। चल ले घर यार, केस पे सटवा दे। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेरे से, केस हटवा दे, हटवा दे केस। ये कौन है? टच मत कर, कैसा हाथ लगा? बताओ तुझे अभी कौन हूँ मैं? कौन क्या तमाशा कर रखा है तूने? कितने घंटों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि घर चल घर चल, क्या क्या है तेरा? तेरा आपस का मामला, तेरे घर पे यहाँ पे ना तेरा आपस का मामला। मैं मेरा परिचय मत पूछ, मैं बाद बता दूंगा मैं मेरा परिचय। ये बता तू इसको परेशान कैसे कर रही है अभी? परेशान की बात है, आप कौन हो यार बीच में आने वाले? मैं कौन हूँ? मेरे से ये मत बोल के मैं कौन हूँ। मैं कोई भी हूँ, अगर कोई भी होगा ना तो यहाँ पे पार्क के बीच में आकर उससे पूछ सकता है कौन है, क्योंकि तमाशा कर रही है, बंदे बात उठा रही है। आधा घंटे तक पूछा क्या बोलो? गुंडा थोड़ी नहीं भाई है, मैं भाई है, भाई है मेरा। ए तमीज ना तुझे बात करने की, क्या बोली गुंडा है? बताओ तुझे अभी, तमीज नहीं मेरे को। अरे कभी आ जाए, एक हफ्ते में आ जाएगी सारी तमीज। तू फालतू कैसे बोल रही है? बताओ तुझे अभी, बताओ तुझे अभी, मुझसे मत देर से, इतनी देर से बोल रखा है, समझा रहा हूँ तेरे को, समझा रहा हूँ। तेरे अंदर है, तेरे अंदर है, तू हाथ कैसे नहीं समझ रही? वो बात क्यों कर रहा है? तू तमीज नहीं है बिल्कुल। मना कर रहा हूँ तेरे, तब से मना रहा हूँ ना, तू क्या है? मना रहा हूँ ना तुम्हें, मना रहा हूँ तुम्हें, मान रही हो तुम? ये जो सब ड्रामे कर रही, किस वजह से कर रही? उस बंदे के लिए। हम अपने बंदे के लिए। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया वो ये बता, क्यों आएगा वो? क्यों नहीं आएगा? तू अकेले, तू है क्या अकेली? तू सब कुछ खरीद लेगी, आप आकर छीन लेगी? नहीं, खरीद लूंगी। तू क्या खरीद लेगी? आपस की बात है, पति पत्नी की। तुम होते आपस की बात नहीं है, तूने ये ना बाहर निकाल दी। यहाँ पर नहीं होती पार्क में 10 घंटे, तो इसका मारते मारते फर्क नहीं बना रही है। एक रैप्टे में मुर्गी बना दूँ, कभी किसी और भूल में लग रही हो तू? इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं यार, केस ले, पैसे वैसे यार कर दे यार, केस वैसे ले ले वापस। तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। नहीं ये तमीज में बात कर ले, पति है तेरा वो? कोई पति पति नहीं है मेरा। नहीं तो, और अगर हुआ फिर अभी तू बोलेगी अपने मुंह से भाग के? नहीं है मेरा कोई पति पति, बोल दिया ना एक बार में, नहीं समझ नहीं आ रही तुम्हें? ए तमीज में बात कर ले, मुझसे बहुत देर हो गई है तुझे। तू है कौन? तू है कौन? यहां चल बता। ये देख कैमरा, तेरा बाप कैमरा लेता है, समझ में तुझे? ये कैमरा बंद करो। ए बर्बाद कर दी ना मेरी फैमिली की और मेरी बर्बाद जो कर दी ना। मैंने गलती कर दी शादी करके, शादी कर गलती करी तेरे साथ। तूने जो बर्बाद की ना केस लगा के, गुंडे बुला रहा है, गुंडे मेरे को पीट दिया, घर वाले को पीट दिया मेरे। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, हद में रह ले। है कौन? मुझे तेरी सारी रिकॉर्डर पता कहाँ जा रही है? ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर जा रही है, कबीर के प्रैंक चैनल से हूँ। अरे तुझे पता, मारते मांगते यहाँ से रैंक भी जाएगी तू, कभी किसी को भूल में लग रही हो। जो शर्म है, तू अपने पति के साथ क्या करिए भरी महफिल में, छोड़े पार्क में? कितनी बार समझाया, नहीं समझ में आ रहा? तू बाहर लेके आ गई, कैमरा ऑफ नहीं हो गया तमीज में, कैमरा ऑफ नहीं होगा। पति है तेरा, तमीज में बात कर अभी अभी। यहाँ बैठ, पहले यहाँ बैठ, इधर आ। तेरे से तब से समझा रहा हूँ, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। एक बात बैठ भाई, एक सेकंड बैठी है। एक बात आता, इसने कौन सी ऐसी कमी छोड़ी है? तेरा अगर बंदा था, तेरे पास भूत चढ़ते साला, समझ नहीं आता ये भूत क्या है क्या है। तो अगर तेरा भूत चढ़ते हैं तो तूने इससे शादी क्यों करी? कौन लगे, क्या लगे तेरा? वो पति लगे ना, कह रही है ना पति है? नहीं है जवाब देगी? पति है नहीं है? हाँ पति है मेरा।
पति है तो फिर ऐसे कैसे बात कर रही है तू? यही सिखाया कि तू पति से कैसे बात करती है? और कौन सा है तेरा बंदा जो तुझे अकेला भेज रहा है पैसे लेने के लिए, खुद नहीं आ रहा, उसे लेके आती ना जब मानता मुझसे दबंग कर दो यार। मैं जो झूठा देश का केस लगा रखा वो भी वापस ले लूँगी और मैं तुझसे कोई पैसा भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नहीं वो बंदा कहाँ है जो पैसे मांग रहा था? मैं तेरी और तेरे बंदे की दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। मेरी तो कर दी, मेरी तो हो चुकी है पूरी, ठीक है, अब मैं तुम्हारी और उस जो तेरा बंदा है उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है मेरे को। प्लीज़ ऐसे मत करो प्लीज़। भाई एक बात बता, एक बात बता, ये जो वीडियो बनी हम पागल हैं तो बता, ये वीडियो बनती तेरे झूठे दहेज के जो तुमने बोले ना अपने मुँह से सब कैप्चर हो गई है और सब खत्म हो गई वीडियो, वायरल होगी तो ध्यान। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। नहीं ऐसे कुछ मत करना, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी। क्या हो जाएगा तेरी? तूने इसकी सोची, इसकी जिंदगी की? ये करने से पहले नहीं सोचा जिंदगी सोची है? पता चल तू अपने मुँह से बोल, तूने इसके घर वालों की सोची जिंदगी? तुझे एहसास था क्या होगा? घर की बात बाहर लेके आ गई रोड पे, अच्छा लग रहा है, अब जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही, सब नहीं देखेंगे, सारे में तमाशा रहा आती। सुनो मुझे माफ कर दो प्लीज यार। माफी की बात नहीं, वो बंदा कहाँ है? मुझे वो बंदा चाहिए। मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। वो बंदा कहाँ है ये बता, कहाँ है बता? अब तुम परेशान करने के लायक ही नहीं हो ना, कैसे कर लोगे परेशान? वो अपने घर पे है तो तुझे इसके साथ तो रहना नहीं है और इसे अभी तेरे साथ नहीं रहना है, तो भाई तू करना क्या चाह रहा है ये बता मुझे। तुझे बस तुम मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स? अच्छा बहुत बढ़िया, तेरे को डिवोर्स चाहिए और तू कट लेगी आराम से, और तुझे आराम से जाने भी दे क्योंकि तूने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर भी है भाई कहाँ लेके जाएगा? वीडियो दूंगा तुझे बता तू जो तूने मुझे। भाई मैं पुलिस थाने लेके जाऊंगा इसको, थाने जाएगी, समझा करो, इसको भी लेके जाऊंगा, इसको बंदे को बुलाना है, उसको घसीटना है थाने में, देखूंगा कौन आएगा तेरे बीच में, गारंटी दे रहा हूँ कोई ना आनेगा। तू उसी की वजह से उछल रही है ना इतना, मुझे माफ कर दो। वो खिलाता पिलाता इसकी वजह, उसी की वजह से उछल रही है ना। तूने एक ऐसे बंदे को बुलाना है, घर खराब कराया, जो साला किसी काम का नहीं, नल्ला यहाँ भेज रहा है तुझे, शर्म है तुझे? अब खड़ी हो तू, एक सेकंड खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, सुन मेरी बात, अब यहाँ से तू कट ले, बहुत देर हो गई है और तेरा कोई काम नहीं है। प्लीज मेरी वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। नहीं वीडियो डिलीट हो, भाई तुझे बोला था ना वीडियो डिलीट नहीं होगी भाई, थाने जाएगी, थाने वीडियो जाएगी थाने, चल यहां से, हम खुद देख लेंगे, चल निकल यहां से, वीडियो डिलीट कर दो। नहीं होगी प्लीज, नहीं होगी, बोल देना उसको बुला के लेके आ, जो जो ये सारे बुला के ला रहा है तुझे, उसको उसको बुला, वीडियो डिलीट होने की, चल निकल यहां से, निकल ले बस यहां से, बहुत देर हो गई। भाई यहां बैठ, देख भाई जो भी यहां पे अभी सीन हुआ है वो सब तेरी आंखों के सामने है, भूत वो चुतियापा कुछ नहीं है, ठीक है, वो बंदा है जो इसका यार है वो करवा रहा है। वो तो पता है भाई, वही करा रहा, जड़ तो वही है सारी। तो तुझे अभी इसके साथ नहीं रहना है ना? नहीं, ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, ये क्लिप मैं दूंगा तुझे, तुझे थाना जाना है, तुझे अपने घर जाना है, पंचायत बिठानी है, जो करना है तू कर, ठीक है। ये क्लिप मैं तुझे दे दूंगा, मेरे वीडियो पर चैनल पर अपलोड हो जाएगी, तेरे केस सब खत्म हो गया, ठीक है भाई। तो गाइज अभी मुझे वीडियो यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी, वीडियो अगर ठीक लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कबीर के प्रैंक फॉलो कर लो, कबीर के प्रैंक और ऑफिशियल कबीर 01 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ के दिख रहा होगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चल भाई अच्छी वीडियो दे।